Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are all fine. Yesterday we came to the ending of the story. We had started the last topic, sad times. Sad times, the story was going towards a sad and towards a tragic end. As we read in the story yesterday, that things were getting worse for Gondril and Bregan. They became very cruel. They had become very cruel, and they didn't want to be loyal to their husbands anymore. They both fell in love with the same person, the evil Edmund. And after the death of Regan's husband, it was clear to them that Edmund had deceived both of them. And then Regan told her sister Gondril that she was going to marry Edmund. Gondril realized the truth, but she had become so selfish and she had become so mad with love that she killed her own sister, Regan. Mad with love, Gondril killed Regan. Now, Albani discovered what had happened, and when Gondril's husband, Albani, he came to know what had happened, he hated the cruel creature his wife had become. He began to hate his wife as he had killed her own sister for the sake of Edmund. And Gondril herself was so sad that she killed herself soon afterwards. और जब आप बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं, बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं, बहुत ज्यादा बुराई में आगे चले जाते हैं, तो एक टाइम आता है when the pricking of your conscience, आपके जमीर की खलिश आपको सुकून नहीं लेने देती, आपका जमीर आपको सुकून नहीं लेने देता, और वो जमीर की pricking, conscience कि जो हम प्रिकिंग है वो इंसान को सुकून नहीं लेने देती. एंड गॉन्ड्रिल हैड बिकम सो सैड दैट शी किल्ड हरसेल्फ, कि उसने अपने आप को मार लिया, अपने आप को खत्म कर लिया सून आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद जल्द ही. अ स्ट्रेंजर केम. अब नाउ रीगन हैड डाइड, गॉन्ड्रिल हैड आल्सो डाइड, कॉर्नवॉल वाज आल्सो सॉरी Cornwall was also died, and who was left only the husband of Gondril and Edmund. Now Edmund was planning to kill Cordelia and King Lear and to become the king himself. We had read it yesterday. A stranger came and challenged the evil Edmund to a fight. Now when Edmund was busy in his own pursuit, क्या था उसका pursuit? To get the throne, किसी तरह वो तख्त हासिल कर ले, ताज हासिल कर ले, और इस planning में वो लगा हुआ था. But a stranger came to him a day and challenged him for a fight, और उसे challenge किया अपने साथ fight करने के लिए, because उन दिनों में gun से तो नहीं होती थी फाइट. द फायर्स वर, दिस इज द स्टोरी ऑफ 16th सेंचुरी, एंड एट दैट टाइम द फायर्स वर कंडक्टेड विद स्वॉर्ड्स, विद स्वॉर्ड्स, एरोस. एंड द स्ट्रेंजर चैलेंज्ड एडमंड फॉर अ फाइट. एडमंड डिडंट नो हु द स्ट्रेंजर वाज, उसने बस उसका चैलेंज कबूल किया, उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, बिकॉज इट वॉज कॉमन एट दैट टाइम के लोग फ्रेंडली फाइट्स करते थे और देखते थे कि हु वॉज ब्रेवर,
कि उन दोनों में कौन ज्यादा बहादुर है। उसे पता नहीं चला कौन स्ट्रेंजर कौन है जो उसे चैलेंज करने के लिए आया, बट ही थॉट दैट ही लुक्ड लाइक अ गुड नाइट। लेकिन चूंकि वो सारा कवर था, ही हैड कवर्ड हिमसेल्फ इन एन आर्मर, उसने जरा में अपने आप को जो जंगी ड्रेस होता है लोहे का उसमें उसने खुद को कवर कर रखा था और उसे लगा कि वो एक बहादुर नाइट है, एक बहादुर सोल्जर है। एंड सो द टू फाउट, अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हुई। आफ्टर अ हार्ड स्ट्रगल, काफी सख्त जहद के बाद, द स्ट्रेंजर शोड दैट ही वाज द बेटर फाइटर ऑफ द टू। उस स्ट्रेंजर ने साबित किया, क्या साबित किया, शोड मीन प्रूव दैट ही वाज द बेटर फाइटर ऑफ द टू, कि वो एडमंड से ज्यादा बेहतर फाइटर था। ही कुड डिफीट एडमंड। Edmund was defeated. He wanted to know who the stranger was. और जब Edmund को शिकस्त हुई, defeat, शिकस्त, जब Edmund हार गया उससे, तो he wanted to know who the stranger was. तो उसने उसे कहा कि who are you? He wanted to know who he was. और जब उसने देखा, उसने अपना face uncover किया, तो उसने क्या देखा? It was his brother Edgar. एडमंड का ब्रदर एडगर था। और वो वहां क्यों आया था, क्यों उसने उससे फाइट की? He told everyone all the bad things that Edmund had done. और उसने क्यों आया था वो यहाँ? Just to make him realize all his bad deeds, जो उसने गलत काम किए थे, उसने कॉर्डिलिया और किंग लियर को कैद किया, फिर उसने इन दोनों बहनों में लड़ाई करवाई, उन दोनों की डेथ का सबब भी यही बना। एंड एडमंड एट लास्ट फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिज विकेडनेस, और आखिरकार एडमंड बिगेन टू रियलाइज हिज विकेडनेस। विकेडनेस मीन मकारी, चलाकी, अयारी। और उस वक्त आखिरकार इन द एंड At last, in the end, and उसने जब उसकी सारी गलत काम उसके सामने डिस्क्राइब किए कि उसने अपने फादर का भी एहसास नहीं किया और ये तख्त की दौड़ में लग गया और सारी रिश्तों को, हर चीज को भुला दिया, तो उस it was at that time that he realized his mistakes and he realized very sorry for his wickedness. उस वक्त उसने अपने सारे गलत कामों के लिए, अपने सारे बैड डीड्स के लिए वो सॉरी था, शर्मिंदा था। He felt ashamed for all that. Then he suddenly remembered. और फिर उसे अचानक याद आया that he had ordered one of his soldiers to kill Cordelia and Lear. और उसे क्या याद आया कि उसने अपने एक सिपाही को हुक्म दे दिया है Cordelia और Lear को जाके कैद में ही मारने का। Everyone rushed to the prison. और जैसे ही उसे ये बात याद आई और उसने बताया, तो वहां पर मौजूद हर शख्स प्रिजन, कैद खाना, जेल की तरफ, कैद खाने की तरफ भागा, टू ट्राई टू स्टॉप द सोल्जर, ताकि सोल्जर को, सिपाही को रोक सके फ्रॉम फॉलोइंग Edmund's order, Edmund के order को follow करने से। But they were too late. लेकिन वो बहुत late थे। They were too late. उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। It was too late. यानी उन्हें काफी देर हो चुकी थी। Lear came slowly out, carrying the dead body of Cordelia in his arms. और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? Lear, it was too late, देर हो चुकी थी। कैसे देर हो चुकी थी? क्योंकि जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा King Lear was coming out. King Lear was slowly coming out, carrying the dead body. उस Cordelia मर चुकी थी और वो Cordelia को अपने हाथों में उठाए बाहर आ रहा था। She had been murdered before his own eyes. अब ये कितना पेनफुल था उसके लिए, एक बाप के लिए, कि उसकी लाडली बेटी, जो उसकी सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली थी, केयरिंग बेटी थी, जो उसका हर तकलीफ में साथ देने के लिए आई थी, शी हैड बीन मर्डर्ड बिफोर हिज ओन आईज। शी हैड बीन मर्डर, उसे
मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था बिफोर हिज ओन आईज, उसकी आंखों के सामने, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो गया। अब चूंकि पहले किंग लियर कॉर्डेलिया की टेक केयर, उसकी देखभाल के बाद ठीक हो गया था, लेकिन अब जब उसने कॉर्डेलिया को अपने सामने मरते देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। द किंग हैड यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू किल द सोल्जर, और किंग ने गुस्से में अपनी सारी पावर्स, अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज की टू किल द सोल्जर, सोल्जर को मार दिया। बेशक वो बूढ़ा हो चुका था, मोर देन 80 ईयर्स था, लेकिन था तो एक बहादुर सिपाही, एक बहादुर जंगजू। He killed with all his might the soldier, जो उन्हें मारने के लिए आया था। कॉर्डेलिया को तो उसने मार दिया, लेकिन उसने खुद भी फिर गुस्से में, अपने इमोशंस में उसने सोल्जर को मार दिया। Now he was trying to breathe life into the dead Cordelia, और अब वो कोशिश कर रहा था किसी तरह से to breathe life, जिंदगी फूंक दे, किसी तरह से जिंदगी वापस आ जाए into the dead Cordelia. डेड कॉर्डेलिया में, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। क्यों फायदा नहीं था? क्योंकि जो शख्स मर गया वो वापस तो नहीं आ सकता। His heart was broken, उसका दिल टूट चुका था। He lay down beside her, वो भी उसके पास ही लेट गया, यानी कॉर्डेलिया को उसने फर्श पे लिटाया और पहले उसको जिंदा करने की कोशिश करता रहा कि शायद किसी तरह ये जिंदा हो जाए, इसमें सांस वापस आ जाए, लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो वो खुद भी उसके पास लेट गया। ही ले डाउन, वो लेट गया बिसाइड हर, बिसाइड हर नियर हर, उसके करीब भी लेट गया। एंड डाइड टू, और खुद भी मर गया। एडगर लुक्ड सैडली एट द बॉडी ऑफ द डेड किंग, एडगर ने उदासी से देखा एट द बॉडी ऑफ द डेड किंग, डेड किंग की बॉडी की तरफ, उसकी तरफ, यानी उसकी डेड बॉडी को उसने देखा और कहा। अब एडगर जो था वो ट्रुथ को रियलाइज करने वाला था, उसने अपने भाई को भी, वो एक अच्छा शख्स था, उसने अपने भाई एडमंड को भी उसकी गलतियों का एहसास दिलवाया, और अब उसने जब किंग लेयर को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब वो ना बचा सका और उसने उसके डेड देखा तो उसने कहा, दीज आर सैड टाइम्स, ये सैड टाइम्स हैं, यानी हर एक के लिए उदासी का टाइम है। सच सैडनेस मेक्स अस से व्हाट वी फील, और ऐसी ही सैडनेस हमें फोर्स करती है, मेक्स अस से, फोर्स अस टू से व्हाट वी फील, not what we think best, यानी इस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम बोलेंगे जो हम सोच रहे हैं, बल्कि हम वो बोलेंगे जो उस वक्त हमें फील हो रहा है, जो एट द स्पॉट हम इस वक्त हमारी फीलिंग है। और उसकी फीलिंग क्या थी? उसने कहा कि ये सैड टाइम है, और इस वक्त द ट्रूथ इज दैट द ओल्डेस्ट पर्सन हियर हैज सफर्ड द मोस्ट, और ये हकीकत है, द ट्रूथ इज, सच ये है, सच्चाई ये है, हकीकत ये है, दैट द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन कौन था वहां पे? किंग लियर, कि किंग लियर द ओल्डेस्ट पर्सन हैज सफर्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा मुश्किलात किंग लियर ने बर्दाश्त की हैं। सबसे सच ये है, हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा तकालीफ सबसे बूढ़े शख्स किंग लियर ने बर्दाश्त की है, फेस की है। वी हु आर यंग, हम लोग जो अभी यंग हैं, विल नेवर सी सो मच, हम इतना ज्यादा, हो सकता है हम इतना ज्यादा ना देखें, इतनी ज्यादा सफरिंग, इतनी ज्यादा परेशानियां ना देखें, और लिव सो लॉन्ग, या इतनी लंबी उम्र ना पाए एज किंग लियर, जितनी किंग लियर को मिली। यानी किंग लियर को जिंदगी तो बहुत लंबी मिली, लेकिन उसने अपनी आखिरी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकालीफ, मुश्किलात और मिजरीज देख ली, और अल्लाह करे अबू हुआर यंग विल नेवर सी, कि हम सब लोग जो अभी यंग हैं, हम कभी भी ऐसा इतना कुछ ना देखें, इतनी ज्यादा परेशानियां, इतनी ज्यादा सफरिंग्स और इतनी ज्यादा उम्र ना देखें जितनी के किंग लियर ने देखी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ
I hope you have enjoyed the story. The story, it has a tragic end. ट्रेजिक एंड, चूंकि किंग लियर जो शुरू में एक बादशाह था, एक ब्रेव किंग था, अ ग्रेट एम्परर, अपने गलत फैसलों की वजह से वो खुद मजबूर हो गया, हेल्पलेस हो गया अपनी बेटियों के हाथों, और अल्टीमेटली फाइनली इन द एंड ही मेट हिज डेथ, उसने डेथ का सामना किया. Now come to the MCQs. Open your worksheet of English literature. Here you are having its MCQs at page number 71 and 72. Hurry up, students. Got the page and encircle the MCQs. King Lear ruled Britain. Number one is King Lear ruled Britain until he was over dash year old. Over how many years old? 80 years old. Yes. Circle D option. King Lear had how many daughters? Three daughters. King Lear had three daughters. In one and two both, the B option is correct answer. The king made a plan to see which of the daughters loved him. The king ne kya plan banaya tha, kya janna chahta tha, ke which of the daughters loved him the most, kaun si beti use sabse zyada mohabbat karti hai. The king was dashed to hear the reply of Goneril. Goneril ka reply, Goneril ka jawab sunkar king ke kya एक्सप्रेशन थे, क्या फीलिंग्स थी. ही वॉज डिलाइटेड, खुश हुआ था, क्योंकि उसने काफी झूठ सच मिला के एक्सैजरेटेड वर्ड्स यूज किए थे अपने फादर को खुश करने के लिए, और किंग वॉज डिलाइटेड, किंग को खुशी हुई थी ये सब देख के. बट हियरिंग द रिप्लाई ऑफ कॉर्डिलिया, लियर्स फेस टर्न रेड विद एंगर. कॉर्डिलिया का जवाब सुनकर किंग लियर का चेहरा रेड हो गया था गुस्से से, क्योंकि वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. द किंग डिसाइडेड टू डिवाइड हिज किंगडम बिटवीन हिज डॉटर्स. कौन सी डॉटर्स के दरमियान उसने अपनी किंगडम डिवाइड की थी? यस, Goneril and Regan. Goneril and Regan, B option. Cordelia was married with the king of France. Cordelia was married with the king of France, A option. Now, number 8, the king decided to keep the title of king and 100 knights with him. King ne kya decide kiya tha? He decided to keep the title of king and 100 knights with him. The king was going, number 9, the king was going to stay 1 month with Goneril and then 1 month with Regan. Yehi decide kiya tha usne ki ek maah Goneril ke paas rahega aur ek maah Regan ke paas stay karega. Now number 8, the man who dared to speak in Cordelia's favor before the king was the Earl of Kent. Yes, it was the Earl of Kent who spoke in Cordelia's favor in the court. Jab koi aur King Lear ke samne nahi bola Cordelia ke favor mein, it was the Earl of Kent who spoke in her favor. Aur usko king ne पनिश भी किया. क्या पनिश किया था? कि तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ विद इन अ वीक. लेकिन उसके बावजूद वो बाद में किंग को देखने के लिए कि वो किंग किस तरह से रह रहा है, ही केम एज अ सर्वेंट एट कॉनविल्स कैसल, और आखिर तक उसे किंग का साथ दिया. नाउ नंबर 11 एट पेज 72. I would rather spend the night on the dash even in this storm than staying with such women. ये वर्ड्स किसने कहे थे? किंग लियर ने कहे थे. क्या कहा था?
आई वुड रादर स्पेंड द नाइट ऑन द मूर. मूर किसे कहते हैं? वो जगह दैट इज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, जहां पे फार्मिंग नहीं हो सकती, बट देर आर देर इज ग्रास एंड बुशेस. तो किंग लियर ने कहा था कि ऐसी अपनी बेटियों के बारे में कहा था, गॉनरिल और रिगन के बारे में, कि इनके साथ एक छत के नीचे रहने से बेहतर है कि मैं रात बाहर जंगल में खुले आसमान तले तूफान में गुजार दूं. Cordelia persuaded her husband, the king of France, to send an army to help King Lear. उसने अपने हस्बैंड को फोर्स किया था कि उसको एक आर्मी देकर भेजे किंग लियर की हेल्प करने के लिए. नंबर 13, डैश वॉज द सन ऑफ द ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर. ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर का बेटा कौन था? एडमंड. यस, ही हैड टू सन्स, एडमंड एंड एडगर. नंबर 14, गॉनरिल एंड रीगन वर बोथ इन लव विद द सेम मैन, द ईविल एडमंड. They were both in love with the same man, the evil Edmund. The stranger who challenged Edmund for the fight, stranger जिसने Edmund को challenge किया था fight के लिए and beat him और उसे शिकस्त दी, उसे हराया, was his brother Edgar, उसका भाई Edgar था. Mad with love, Goneril killed. Goneril ने किसको मार दिया था? अपनी मोहब्बत में रीगन को, अपनी सिस्टर को. एनसर्कल हियर सी ऑप्शन. नाउ नंबर 17, लियर एंड द मैड मैन टॉक्ड क्वाइट डैश टू ईच अदर. लियर और मैड मैन किस तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे? दे टॉक्ड क्वाइट हैप्पीली, खुशी से, बिकॉज दोनों उस वक्त जब वो ओल्ड हट में थे, दे बोथ वर सिटिंग देयर एंड बोथ वर मैड. पुअर टॉम वाज ऑलरेडी मैड एंड किंग लियर हैड आल्सो बिकम हाफ मैड, और उस वक्त वो सब कुछ भूल गया एंड दे टॉक क्वाइट हैप्पीली. नंबर 18, रीगन अलाउड द ओल्ड किंग टू स्टे एट हर कैसल विद नो नाइट्स. रीगन ने उसको इजाजत दी थी किंग लियर को, अपने फादर को, कि अगर वो रहना चाहता है उसके घर, तो अल्टीमेटली उसने, पहले उसने 25 कहा, लेकिन बाद में उसने क्या कहा था? विद नो नाइट्स. जब रीगन ने, गॉनरिल ने बोला कि उसको तो नाइट्स की जरूरत ही नहीं है, देन शी सेड दैट ही कैन स्टे विद एट हर कैसल विद नो नाइट्स, बगैर किसी नाइट के. नंबर 19, डैश प्लान टू किंग लियर एंड कॉर्डेलिया इन प्रिजन. लियर और कॉर्डेलिया को कैद में मारने का प्लान किसने बनाया था? इट वॉज मेड बाय एडमंड. इट वॉज प्लान बाय एडमंड. नाउ द लास्ट वन, इनसाइड द हट वॉज द मैड मैन कॉल्ड डैश कॉल्ड Poor Tom. हट में कौन था जब वो हट में गए? किंग लियर एंड हिज फूल. तो हट में दे सॉ इनसाइड द हट वॉज पुअर टॉम द ओल्ड मैन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ योर MCQs आर ऑल्सो डन. टूडे यू विल लर्न all the MCQs and verse meanings of this story. Okay, now come up to the page number 73. Page number 73, this is the character sketch of King Lear. Character sketch of King Lear, you have to learn this character sketch. कैरेक्टर स्केच मीन के उस किरदार के बारे में जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप उसको कैसा फील करते हैं, उसको आपने डिस्क्राइब करना है. किंग लियर वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले. किंग लियर प्ले का मेन कैरेक्टर, अहम किरदार था. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम. होल स्टोरी, उस तमाम स्टोरी उसी के गिर्द घूमती है. ही वॉज द ग्रेट किंग ऑफ ब्रिटेन.
वो बर्तानिया का ग्रेट किंग था हु रूल्ड ओवर ब्रिटेन, जो ब्रिटेन पर रूल करता रहा, हुकूमत करता रहा अंटिल ही वाज ओवर 80 इयर्स ओल्ड, यानी 80 इयर्स से ज्यादा उसकी एज हो गई तब तक वो वहां पर रूल कर रहा था. He divided his kingdom between his two daughters, who flattered him using warm words. He divided his kingdom. उसने अपनी सल्तनत तकसीम की, divide की between his two daughters, अपनी two elder daughters, अपनी दो बड़ी बेटियों में, who flattered him, जिन्होंने उसकी खुशामद की, उसे खुश किया using warm words. Warm words, अच्छे words use करके. Exciting words use करके उसे खुश किया. But he did not give anything to Cordelia. लेकिन उसने Cordelia को कुछ भी नहीं दिया. His youngest daughter, जो उसकी छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, who could not express her love in words, जो अपने लव को, अपनी मोहब्बत को, अपने फादर के लिए अपनी मोहब्बत को लफ्जों में बयान ना कर सकी. And describe the reality in simple cold words. और उनसे contrary, उनसे old थी ये Goneril और Regan से, और उसने flattering words के बजाय simple cold words में अपने father को reality, हकीकत, truth बताने की कोशिश की. Describe, बयान किया, reality, हकीकत. In simple cold words, he came to stay. Now about the king. He came to stay for 1 month at Goneril's castle with his 100 knights. और अब वो अपनी kingdom divide करने के बाद एक माह Goneril के castle किसे कहते हैं? आपको बताया था castle होता है घर, मतलब महल जो बादशाह का, बट किला नुमा जिसमें साथ ही सेफ्टी मेयर्स भी हों एनिमी के अटैक से बचाने के लिए, मतलब हम इसको किला भी नुमा घर कह सकते हैं. विद हिज 100 नाइट्स द लव एंड केयर ऑफ Goneril एंड Regan वैनिश्ड अवे आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ किंग लियर्स स्टे. द लव एंड केयर, अब वो लव और केयर जिसके बारे में उन्होंने कोर्ट में सारे कोर्टियर्स के सामने, सारे मिनिस्टर्स के सामने इजहार किया था, एक्सप्रेस किया था, वो मोहब्बत, वो लव खत्म हो गया जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज, जब चंद दिन ही, किंग के क्याम के चंद दिनों में ही वो सारा प्यार, मोहब्बत, वो सारा दिखावा खत्म हो गया. She began ignoring and insulting the king. Goneril ने बादशाह को ignore करना, नजरअंदाज करना, and insulting, और उसकी insult करना शुरू कर दिया. On the other hand mean दूसरी तरफ, on the contrary, on the opposite, दूसरी तरफ उसके old कौन था? Cordelia still loved her father. Cordelia अभी तक अपने फादर से मोहब्बत करती थी. Despite getting no property or honor, इसके बावजूद, despite mean इसके बावजूद के उसको कोई प्रॉपर्टी या कोई एजाज नहीं मिला था, यानी बादशाह ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि अब तुम, यू आर नो मोर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी भी अब नहीं होती, यानी वो ये एक प्रिंसेस का ऑनर भी उससे छीन लिया था, और उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें जो उसने उसे दी थी, सारी मनी, प्रॉपर्टी, सब उससे लेकर Goneril और Regan को दे दी थी. The consequences made him realize, और इन सारे हालात ने, consequences, हालात ने, circumstances ने made him realize, King Lear को महसूस करने पर मजबूर कर दिया, made him realize, महसूस करने पर मजबूर किया, that his decision was wrong, कि उसका फैसला गलत था, but there was no use of that, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, यानी it was no use of crying over spilt milk, यानी जब वक्त गुजर गया, अब उसे एहसास हुआ अपनी गलती का, तो अब उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका था, अब
कुछ भी नहीं किया जा सकता था, बिकॉज जो हो चुका था दैट वॉज डन कैन नॉट बी अनडन, वो सब कुछ वापस नहीं पलट सकता था. द किंग लियर फेल विक्टिम टू हिज इल टेम्पर. द किंग लियर फेल विक्टिम, फेल विक्टिम शिकार हुआ. किंग लियर शिकार हो गया टू हिज इल टेम्पर, अपने बदमजाजी का, अपने बुरे टेम्परामेंट का, यानी उसकी जो अदम बर्दाश्त थी वो उसका शिकार हुआ. His stubborn nature, stubborn, जिद्दी, obstinate, उसकी जिद्दी तबीयत ultimately made him met his death. Finally, ultimately mean finally, आखिरकार उसकी जिद्दी तबीयत की वजह से उसकी डेथ हो गई. The king could not judge the persons correctly. किंग बहुत वाइज था, बहादुर था, अकलमंद था, इतनी बड़ी सल्तनत का निजाम चलाता रहा था, लेकिन अपने आखिरी सालों में उसका टेम्परामेंट इतना खराब हो गया, उसकी जजमेंट इतनी वीक हो गई, दैट ही कुडंट जज द पर्संस करेक्टली, कि वो लोगों को सही तरह से जज नहीं कर सका. देयर इज सैडनेस एंड सफरिंग इन द स्टोरी फॉर द ओल्ड किंग. इस स्टोरी में, सारी स्टोरी में ओल्ड किंग यानी किंग लियर के लिए सैडनेस है, उदासी है, सफरिंग्स है, मुश्किलात, तकालीफ हैं. इस सारी स्टोरी में किंग के लिए मुश्किलात और तकालीफ ही है. एज एडमंड सेज इन द एंड, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडमंड ने आखिरी लाइंस में स्टोरी के एंड में उसने कहा, क्या कहा था? The truth is that the oldest person here has suffered the most. और हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि यहाँ पर सबसे बूढ़ा शख्स यानी किंग लियर ने सबसे ज्यादा तकलीफ का, सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना किया.